अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उसामा तालिब और आप देख रहे हैं बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी चैनल। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था जॉन नेपियर और पास्कल के बारे में, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉन लेबनिस के बारे में। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉन लेबनिस जर्मन साइंटिस्ट था एक, ठीक है, और इसने एक कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप की थी, ठीक है, और ये 1694 में इसने डेवलप की थी, जो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकती थी, ठीक है। जो पास्कल की मशीन थी ना, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ कर सकती थी, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकती थी। इसने पूरी कैलकुलेटिंग मशीन बनाई वॉन लेबनिस ने, और इसकी मशीन है तो सिमिलर तो पास्कल कैलकुलेटर से थी, लेकिन वो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था, और ये मोर रिलायबल और एक्यूरेट भी थी, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाती थी पास्कल में, लेकिन ये मोस्ट रिलायबल और एक्यूरेटेबल थी, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आप याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं, ये वॉन लेबनिस एक जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है, इसने कैलकुलेटिंग मशीन बनाई, ठीक है, और 1964 में डेवलप की, ठीक है, और ये मशीन मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकती थी, और ये सिमिलर थी पास्कल के, ठीक है, और ये मोर रिलायबल और एक्यूरेटेबल थी, ठीक है, रिलायबल, और ये चीज़ें इसमें सिर्फ याद करने वाली हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, और इसने वर्क किया था कैम्ब्रिज कॉलेज है इंग्लैंड का, वहाँ पे इसने वर्क स्टार्ट किया था ऑटोमेटिक मैकेनिकल मशीन के ऊपर, ठीक है, और इसने एक मशीन डिज़ाइन भी की जिसे ऑटोमेटिक मैकेनिकल मशीन में डिज़ाइन किया, ठीक है, और इसने क्रिएट एक वर्किंग मॉडल मशीन की 1822 में, ठीक है, इसने एक वर्किंग मॉडल मशीन तैयार की 1822 में, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, ठीक है। अभी यहाँ तक हमने सिर्फ इतनी सी चीज़ें पढ़ी हैं कि वो एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, उसने कैम्ब्रिज कॉलेज में वर्क स्टार्ट किया था, ठीक है, और वर्क किस पे स्टार्ट किया और क्या डिज़ाइन किया, ऑटोमेटिक मैकेनिकल मशीन, ठीक है, और उसने क्रिएट एक मॉडल किया जो 1822 में तैयार हुआ और जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, ठीक है। ये हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं, और अब नेक्स्ट इसने एक और भी मशीन बनाई जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, ठीक है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज ने ना 10 साल तक डिफरेंस इंजन के ऊपर काम किया था, ठीक है, वो उसी के ऊपर काम करता रहा, और उसके बाद उसने काम स्टार्ट किया था ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर, ठीक है, और उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। 10 साल तक उसने डिफरेंस इंजन पे काम किया, उसके बाद उसने काम स्टार्ट कर दिया ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर, ठीक है, और उसका नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने पूरे लेक्चर की दोबारा रिवीजन करते हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं इनमें डिफरेंस और रिवीजन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो था वॉन लेबनिस, वो जर्मन साइंटिस्ट था, ठीक है, और इसने मशीन डेवलप की थी 1694 में, और इसने फर्स्ट कैलकुलेटर मशीन बनाई थी जो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकती थी, ठीक है। और अब चार्ल्स बेबेज को देख लेते हैं, ये एक मैथमेटिशियन था, इसने वर्क स्टार्ट किया कैम्ब्रिज कॉलेज में, ठीक है, इंग्लैंड में, और इसने मशीन पे काम स्टार्ट किया 1822 में, इसने 1694 में मशीन बनाई थी, ठीक है, इसने स्टार्ट किया था, और इसने फर्स्ट मशीन बनाई डिफरेंस इंजन के नाम से,
ठीक है, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद उसने एक मशीन बनाई, एनालिटिकल इंजन, इस नाम से इसने मशीन बनाई। ये था आज का डिफरेंस और रिवीजन। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारी मैथ की सीरीज़ चल रही है, प्लेलिस्ट चल रही है, उसको भी देखिए और समझिए। और हमारी फर्स्ट ईयर की भी सीरीज़ चल रही है, उसको भी देखें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।